時間が必要だ。そうだ、時間を稼ぐためには手出しできねえようにしてやるんだ。本当に僕たちは正しかったのかな。तो अब कहानी शुरू हो चुकी है पैराडाइज आइलैंड के लोगों की। इन सब की शुरुआत कैसे हुई, जैक इनके साथ कैसे मिला हुआ है, अब इन सवालों के जवाब धीरे धीरे अटैक ऑन टाइटन हमें देना शुरू कर रहा है। मार्ले आर्मी जो है इनकी सेना के लोगों को पकड़ लेते हैं ये पैराडाइज आइलैंड के लोग, और इन्हीं मार्ले सोल्जर्स के बीच में से एक सोल्जर जो है वो हमारे सामने आता है, जो हमें बताता है कि वो जैक की तरफ से एक संदेश लेके आया हुआ है। इस एपिसोड में हमें बताया जाता है कि जो मार्ले की जो सेना है वो बहुत भयंकर है, या मार्ले के जो लोग है वो बहुत खतरनाक है, पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं। तो जैक अपने लोगों को और पूरी दुनिया को इन मार्ले लोगों से बचाना चाहता है। खैर, इसके पास एक साल बचा हुआ है, इसके पास कुछ प्लान है, अगर वो उस प्लान को अगर इंप्लीमेंट करता है तो शायद ये मार्ले से मतलब उनके ऊपर विजय पा सकता है, या फिर मतलब जीत सकता है, जो भी है। अब इसके लिए इसको दो चीजों की जरूरत है, एक तो फाउंडिंग टाइटन की और दूसरे रॉयल ब्लड की। खैर, फाउंडिंग टाइटन जो है वो एरन तो इसके साथ होता ही है, और रॉयल ब्लड जो विली की जो बहन है यानी कि वॉरहैमर टाइटन वो था। अब उसको मारकर एरन ने उसका खून या उसको कह सकते हो कि उसको खा लिया था, तो अब दोनों चीजें जो हैं वो अब जैक के पास आ चुकी हैं। अब जैक कैसे अपने प्लान को आगे बढ़ाता है, खैर उससे पहले तो उसका प्लान के यही पता चल जाए, मैं ज्यादा अपना दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला हूं कि हाँ रिया उसका क्या प्लान है। पहले एक जैक की अगर मैं बताऊं तो जिसने अपने पिता तक को नहीं बख्शा था, अपने पिता को मरवाने की कगार पर पहुंचा दिया था, वो तो खैर है उसके पिता में से किसी जान पहचान ने उसकी जान बचा ली और उसको इस पैराडाइज आइलैंड पे जैसे तैसे बचाकर भेज दिया था। अब वो एक ऐसा इंसान जिसने अपने पिता को मरने की कगार पर पहुंचा दिया था, वो अचानक से कैसे अपने लोगों के बारे में सोचने लग गया, अब क्या पता क्या प्लान है। वैसे तभी कह रहा हूं यार, मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता, जो भी सोचेंगे उसका अलग ही निकलता है। खैर, वैसे भी लाइफ में इतनी ज्यादा टेंशन है कि इस एपिसोड को लेकर या फिर इसकी कहानी को लेकर मैं कोई और भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता। इस एपिसोड में इसके अलावा हमें शाशा की भी कुछ चीजों के बारे में बताया जाता है कि उसका वही हंसमुख चेहरा हमारे सामने आता है जैसे वो पागलों वाली हरकत करती है, और सच में यार जब भी उसको स्क्रीन पे देखा उसको मतलब जैसे वो बिहेवियर कर रही थी, पागलों वाली हरकतें कर रही थी, हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है और फिर वही इमोशनल हो जाते हैं और ये फील करने लग जाते हैं कि यार काश इसकी जगह कोई और ले लेते। खैर, ये और ले लेने वाली चीज इसको और इतना इंटेंसिफाई नहीं करती जो आज की लेवल में अटैक ऑन टाइटन हो चुका है। वैसे 9th एपिसोड में आर्मिन और मिकासा की आपस में जो कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और साथ ही साथ उसमें एरन भी होता है, जहां पर आर्मिन और मिकासा जो कहते हैं कि यार हम बाहर के लोगों को ये बता सकते हैं कि हम बुरे नहीं हैं, हमारे साथ एक बार बात करके देखो, शायद इन सब चीजों को हम शांति से बैठ कर सुलझा सकते हैं। और वहीं पर एरन के दिल में इतनी ज्यादा नफरत भर चुकी है, वो कहता है कि यार तुम्हारी बात सुनेगा कौन, वो तो हमें ऑलरेडी डीमन समझते हैं, हमें राक्षस समझते हैं, हमारी बात सुनने के लिए लोग कितने आएंगे, थोड़े बहुत आ जाएंगे, बाकी लोगों क्या, तुमने सुना नहीं कि वो मार्ले की सेना हमारे लिए क्या सोचती है, वो इवन मरने से भी नहीं डरती, हमें सिर्फ वो मारना चाहते हैं। खैर देखो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सही है, मतलब इन दोनों की बातें हैं हमें दोनों ही सही लगते हैं, एक शांति की बात करता है और जो एरन के साथ हुआ वो अपनी फीलिंग्स इसमें दिखाते हैं कि यार उसके पास जो भी भयंकर चीजें उसके साथ हुई हैं वो उस चीज को कैसे भूल सकते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि कैसे अब जो प्लान है जो वो आगे बढ़ता है या फिर जो भी वो प्लान जैक का है कैसे हमारे सामने आता है, और इसके एंड में हमें गाबी और फाल्को ये दोनों दिखाए जाते हैं, और गाबी के अंदर इतनी ज्यादा गुस्सा उसके में दिखाया गया है, वो एरन को लेके इतनी ज्यादा पागल हो गई है कि अब जैसे उसके सामने आए एरन मुझे लगता है कि यार ये बंदी मार देगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो टाइटन हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप लोगों ने ये एपिसोड देख रखा है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोग क्या सोचते हैं इस एपिसोड के बारे में, या फिर आप क्या सोचते हैं कि आने वाले एपिसोड कैसे होंगे। खैर, महंगा पढ़ने वाले मत बोल देना यार, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उनके विचार जानना चाहता हूं, वो उनको क्या फील हो रहा है कि आने वाले एपिसोड कहां जाएंगे, और जिन्होंने नहीं देखा तो जाके देखो, बहुत अच्छी एक एनिमे सीरीज है। अब ये एपिसोड जो आ रहे हैं यार, अभी तो ऑलरेडी इसके ऊपर जैसे हंगामा क्रिएट हुआ हुआ है कि यार इसने किस लेवल की वॉयलेंस पार कर दी है, तो यार ये तो जो मैंने न्यूज पढ़ी थी कमाल का था। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।